भारतीय जनता पार्टी को पूरा देश कह रहा है कि आप जाओ तेल लेने। मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, मोदी जी ने जो देश को सपने दिखाए उसके विपरीत देश गड्ढे में चला गया। हर क्षेत्र में हो, चाहे अर्थव्यवस्था का हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए मुद्दे हो, चाहे इस पारिवारिक वातावरण इस देश में सहिष्णुता और संभाव का हो। आज जनसंपर्क के दौरान में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के यहाँ जब गया तो उनको मैंने अनुरोध किया कि आपकी पार्टी चाहे जो हो पर जीतू पटवारी आपका परिवार का सदस्य है। अब इस भाव को डर्टी पॉलिटिक्स के भाव में लाते हैं, ये अपने आप में इस बात का द्योतक है कि बीजेपी हार की कगार पे खड़ी होकर बौखलाहट में चूर है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे से कभी न कभी किसी न किसी हिस्से में आपस में बात करते हैं। हम लोकतंत्र में जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे विरोधी हो सकते हैं। जब मैं उनसे मिलूंगा, वोट की बात करूंगा, चुनाव जीतने की बात करूंगा, तो ये जरूर उनको कहूंगा कि आप पार्टी मत देखो, मुझे देखो। मैंने मेरे परिवार जैसा इस विधानसभा को जिया है। मैं कभी कांग्रेस और बीजेपी में, कार्यकर्ताओं में या परिवारों में भेद नहीं करता। राव के अंदर ये मेरा दृढ़ता से, स्पष्टता से और उस भाव से कि एक जनप्रतिनिधि का दायित्व जनता के प्रति होता है और उसको निभाते हुए मैं बात कहता हूँ। तो अगर मैंने किसी बीजेपी के कार्यकर्ता को ये कहा कि आपकी पार्टी को मत देखो, मुझे जीतू पटवारी एक अच्छा इंसान, अच्छा जनप्रतिनिधि, आपकी 5 साल मैंने सेवा की है, मुझे देखो, तो क्या बुरा कर दिया, क्या गुनाह कर दिया, ये बताएं। बिल्कुल मैं बीजेपी को तवज्जो नहीं देता। आपको कैसे पता लगा ये कि मैंने कांग्रेस को कहा कि बीजेपी जबरदस्ती? अपने हिसाब से आप इंटरप्रिटेशन करने लग गए। ये आप लोगों की गलत धारणा कि मैंने किसको कहा, जब तक उसकी डेप तक नहीं पहुंचे तो आप ये कैसे कह सकते हो? मैंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात करते वक्त उनको कहा कि आप मुझे देखो, आपकी पार्टी को। तो ये कौन से बीजेपी के कार्यकर्ता थे बहता जी? वो वीडियो में दिखेंगे।